गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का जो है हमने भाग 5 तक बता दिया है और आज जो है हम भाग 6 पढ़ेंगे। भाग 5 तक हम लोग जान चुके थे मेंडल के नियमों के बारे में, मेंडल के नियमों के विचलन के बारे में, और भाग 5 में हम लोगों ने जाना था जुड़वा बच्चों के बारे में। आज हम जानेंगे लिंग निर्धारण की क्रिया विधि के बारे में कि जीवों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, नर और मादा का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस है जो 30% रिड्यूस होने वाला है, तो वो 30% रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, जिसका सिलेबस जो है यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। उसे आप जो है वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ से 5 अध्याय को हटाया गया है, कुल मिलाकर के 5 अध्याय, बीच से टॉपिक नहीं हटाए गए हैं सभी लेसनों से, ऐसी बात नहीं है। 5 अध्याय को हटा दिया गया है और उसके बाद जो अध्याय बचते हैं उसके सभी सिलेबस जो है आपको पढ़ने हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो है क्या, तो 5वां अध्याय कक्षा 12 की जीव विज्ञान का और इसका भाग 6 हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं कि जंतुओं में, जीवों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, जीवों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, यानी कि लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, लिंग निर्धारण की क्रिया विधि जीवों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, जीवों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। जैसे कि मनुष्य को ले लिया जाए, मनुष्य में कैसे होता है, तो मनुष्य में जो है दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जोड़ी की बात किया जाए तो 23 जोड़ी में होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी में होती है, तो 23 जोड़ी में। और इसे जो है दो भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दैहिक या कायिक गुणसूत्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। इसकी जो संख्या होती है इन गुणसूत्रों की वह 44 होती है और जोड़ी की बात किया जाए तो 22 जोड़ी, जोड़ी की बात किया जाए तो कितनी जोड़ी, 22 जोड़ी। उसके बाद से जोड़ी की बात किया जाए तो 22 जोड़ी। एक मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दूसरा जो संख्या है क्या, दूसरी संख्या, तो उसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। इसे कहेंगे क्या, लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र, और इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, या इसी को कहा जाएगा क्या, तो एलोसोम्स, एलोसोम्स। तो मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और इसमें 23 जोड़ी से कहेंगे, और इसको दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र, यानी कि ऑटोसोम्स, इसकी संख्या होती है 44 और यानी कि 22 जोड़ी, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को हम कहेंगे क्या, एलोसोम्स, और इसकी संख्या होती है 1 जोड़ी, 1
जोड़ी और कहा जाए तो दो, इसकी संख्या होती है एक जोड़ी और कहा जाए तो दो। ये जो है मेल में यानी कि नर में जो है इसे एक्स 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 वाई के नाम से जाना जाता है, और मादा में जो है इसे जो है एक्स एक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहा जाए कि मनुष्य के नर भाग में यानी कि पुरुष में इसे जो है एक्स वाई के नाम से जाना जाता है, और मादा में यानी कि स्त्री में इसे जो है एक्स एक्स के नाम से जाना जाता है। ये बात याद किए रहिए। अब हम जानेंगे इसी तरह से अन्य जंतुओं में भी गुणसूत्र होते हैं, किसी में जेड 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 वाई होता है, किसी में जेड जीरो, इस तरह से जो है गुणसूत्र होते हैं, इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। तो मनुष्य की अब बात किया जाए तो मनुष्य के पुरुष में जो है नर भाग में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, और मादा में यानी कि स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। इतनी बात जो है याद किए रहिए। तब हम जानेंगे क्या, तो लिंग निर्धारण की क्रिया विधि, लिंग निर्धारण की क्रिया विधि, इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण मतलब वही जो गुणसूत्र है, नर भाग में कौन से गुणसूत्र होंगे, मादा भाग में कौन से गुणसूत्र होंगे, और उससे जो है लिंग निर्धारण। तो इसमें सबसे पहली विधि आएगी, इसमें जो है सबसे पहली विधि आएगी गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण में, सबसे पहली विधि क्या आएगी, तो वह है एक्स 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 वाई लिंग गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। इसे लिख लेते हैं एक्स 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 वाई लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग लिंग गुण सूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण मतलब कि जिन जीवों में एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है उसमें लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण कैसे होता है, उन जीवों में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका उदाहरण जानेंगे कि यह किन किन जीवों में होता है। तो मनुष्य और ड्रोसोफिला मक्खी में इसका एग्जाम्पल होगा मनुष्य एवं ड्रोसोफिला मक्खी में, मनुष्य एवं ड्रोसोफिला मक्खी में जो है एक्स 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 वाई लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आइए जानते हैं कैसे होता है। तो इसमें जो नर होता है, नर उसका गुणसूत्र एक्स वाई होता है, उसका लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, और जो मादा होता है उसका गुणसूत्र जो है एक्स एक्स होता है। यानी कि मादा का लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स और नर का गुणसूत्र एक्स वाई, यानी कि मेल का एक्स एक्स और फीमेल का एक्स वाई। मनुष्य की बात किया जाए तो पुरुष का एक्स वाई और स्त्री का एक्स एक्स। अब जो है ये है क्या, तो जनक है, क्या है तो जनक है, ये जनक है। अब क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या तो अर्धसूत्री विभाजन, ये द्विगुणित होते हैं। जैसे मनुष्य की बात किया जाए तो ये द्विगुणित होगा यानी कि 2n का होगा, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 46। ये भी द्विगुणित होगा और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या होगी कितनी, 46। जब विभाजन होता है इसमें कौन सा विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन, पहले बताया गया है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बनता है युग्मक, क्या तो युग्मक यानी कि गेमिट बनते हैं, और इसमें बनेंगे क्या तो एक्स
वाई गैमेट का निर्माण होगा और इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक्स एक्स गैमेट का निर्माण होगा, एक्स एक्स गैमेट का निर्माण होगा। अब जो है पुरुष का एक्स गुणसूत्र जो है, नर का एक्स गुणसूत्र मादा के वाई गुणसूत्र से संयोजित होता है, निषेचित करता है, तो बनता है क्या, एक्स एक्स प्रकार का गुणसूत्र। उसी तरह से पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के दूसरे एक्स गुणसूत्र को निषेचित करता है तो बनता है एक्स एक्स प्रकार का गुणसूत्र। ये क्या होंगे, तो ये जो युग्मक होते हैं अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं, तो अगुणित, यानी कि ये एन प्रकार का होगा और ये भी क्या होगा, एन प्रकार का होगा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अब जो है इसका जो है पुरुष का वाई गुणसूत्र, नर का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र को निषेचित करता है तो एक्स वाई प्रकार का क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। अब जो है पुरुष का वाई गुणसूत्र मादा के दूसरे एक्स गुणसूत्र को निषेचित करता है तो एक्स वाई प्रकार का गुणसूत्र का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है एक्स वाई प्रकार का। अब जो है बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स और एक्स एक्स, यानी कि यह मादा शिशु होगा और ये एक्स वाई यानी कि ये क्या होगा, तो नर शिशु होगा, यही होगा ना, ये मादा शिशु होगा और ये नर शिशु होगा। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, तो 50% जो है इसमें नर का निर्माण हो रहा है और 50% जो है मादा का निर्माण हो रहा है। तो जिस जीवों में लिंग गुणसूत्र एक्स 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 वाई वाला होता है, एक्स 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 वाई जो है नर का और एक्स एक्स जो है मादा का होता है, उसमें जो है 50% जो है अगली संतति में F1 पीढ़ी में जो है 50% नर और 50% मादा होने की संभावना होती है। ये बात जो है आपको याद रखने हैं। अब जो है दूसरी विधि जानते हैं। पहली विधि था एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। अब जो है दूसरी विधि हम जानते हैं क्या, तो दूसरी विधि हो जाएगा एक्स 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 जीरो, एक्स 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 जीरो लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। इसे एक्स जीरो कहा जाए या केवल एक्स ओ कहा जाए, बात एक ही है। इसका मतलब कुछ नहीं, केवल एक एक्स होगा और एक्स एक्स के बीच क्या होगा, तो लिंग निर्धारण कैसे होगा जीवों में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रकार का लिंग निर्धारण किन जीवों में पाया जाता है। इसका उदाहरण ही सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टिड्डी है, खटमल है, इन कृमियों में उदाहरण आएगा क्या, तो टिड्डी, खटमल खटमल आदि कृमियों में, आदि कृमियों में जो है एक्स 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 जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसमें जो है मादा का जो गुणसूत्र होता है वह एक्स एक्स होता है और जो नर है उसका गुणसूत्र होता है एक्स जीरो, एक्स जीरो। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, इसमें का जो है एक्स गुणसूत्र और इसमें का एक्स गुणसूत्र रूपी युग्मक का निर्माण होगा। फिर इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक्स जीरो युग्मक का निर्माण होगा। अब देखिए मादा का एक्स गुणसूत्र नर के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स एक्स प्रकार का गुणसूत्र बनता है, युग्मनज बनता है। मादा का एक्स और नर का जीरो मिलता है तो एक्स जीरो प्रकार का युग्मनज बनता है। उसके बाद से मादा का एक्स नर का एक्स मिलता है तो एक्स एक्स प्रकार का युग्मनज बनता है। मादा का एक्स और नर का जीरो मिलता है तो एक्स जीरो प्रकार का युग्मनज बनता है। यहाँ पर भी क्या है, तो ये मादा है, ये नर है, ये मादा है और यह नर है। यानी कि एक्स 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 जीरो प्रकार से भी 50% जो है नर की रचना होती है और 50% जो है मादा की रचना होती है।
तो यहाँ पे जो है टिड्डियों में खटमल में जो है इस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें नर में एक ही गुणसूत्र होता है X0 और मादा में जो है XX प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से जान रहे होंगे अब कि किस तरह से जीवों में लिंग निर्धारण होता है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे क्या तो अगला टाइप, अगला लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण की विधि, जिसमें जो है क्या आएगा, ये दूसरी थी, तीसरी विधि क्या होगी, तो ZW ZZ लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण तीसरी विधि हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम कि यह किन जीवों में होता है, उसका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम उदाहरण जानेंगे कि ये जो है किन जीवों में होता है। तो कीड़े हो गए, कीट हो गए, मछलियाँ हो गई, सरीसृप हो गया, उदाहरण आएगा क्या, तो कीटों में, मछलियों में, सरीसृपों में जो है ZW और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। इसमें जो मादा का लिंग गुणसूत्र होता है वह ZW होता है और जो नर है उसका गुणसूत्र होता है ZZ। यानी कि इसमें समयुग्मजी नर का गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र और विषमयुग्मजी जो है मादा का होता है। फिर होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा जो है यहाँ पे Z और W युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद से यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन और यहाँ पे Z और Z युग्मक का निर्माण होता है। ये आपका क्या है तो जनक है और ये क्या है तो युग्मक है। अब देखते हैं कि इससे कौन सी संतानें बनेंगी। तो मादा का जेड नर के जेड से संलयित होगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे ZZ प्रकार का युग्मनज बनेगा। उसके बाद से मादा का जेड जो है नर के जेड से मिलेगा तो ZZ प्रकार का युग्मनज बनेगा। फिर मादा का W जेड के W से संयोजित होगा तो ZW प्रकार का युग्मनज बनेगा। फिर जो है मादा का W नर के जेड से मिलेगा तो ZW प्रकार का युग्मनज बनेगा। यानी कि यह हो जाएगा नर, ये हो जाएगा नर और ये हो जाएगा मादा और ये भी हो जाएगा क्या मादा। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के लिंग निर्धारण में भी ऐसे जीवों में भी क्या होता है तो 50% नर होंगे और 50% मादा होंगे। 50% क्या होंगे तो मादा होंगे। तो यहाँ पे हमने जाना क्या कि ZW ZZ द्वारा लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है और किन जीवों में होता है, कीटों में होता है, मछलियों में होता है, सरीसृपों में होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तब हम आगे बढ़ेंगे और इसके अगले टाइप के बारे में हम जानेंगे। अगला जो आएगा क्या तो किसके द्वारा लिंग निर्धारण जान लेते हैं। अगला टाइप जो तीसरा, तीन हो गया, चौथा जानते हैं, थोड़ा सा ये क्रम में गड़बड़ी है, इसे जो है आप अपने से मिला लीजिएगा। चौथा होगा क्या तो Z0 ZZ लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, Z0 ZZ लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। ये किन जीवों में होता है, सबसे पहले इनके उदाहरण को जानेंगे। तो तितलियों में उदाहरण है ये, माथ में, इन जीवों में जो है क्या होता है तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। यानी कि Z0 ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसमें कैसे लिंग निर्धारण होगा उसको हम जानेंगे। यहाँ पे तितली जैसा ही मात होता है, मात भी एक जीव है और ये भी तितली जैसा ही होता है। जैसे कि ये जो है इसकी आकृति होती है, सभी लोग देखे होंगे,
ये जो है इसकी आकृति होती है, और इस तरह से जो है ये पाया जाता है, दीवारों पर चिपका हुआ होता है, इसे सभी लोग देखे होंगे, नाम भले ही नहीं पता। तो तितली और माथ में जो है Z0 ZZ लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आइए जान लेते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो ये है मादा, और मादा में जो है Z0 लिंग गुणसूत्र होता है, और ये है नर, और नर में जो है Z Z लिंग गुणसूत्र होता है। इसमें जो है होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो जेड और जीरो बनेगा, उसके बाद से यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो Z Z का निर्माण होगा युग्मकों का। तो नर मादा का जेड और नर का जेड मिलता है तो Z Z प्रकार का युग्मनज बनाता है, मादा का जेड नर का जेड मिलता है तो Z Z प्रकार का युग्मनज बनाता है, और उसके बाद से मादा का जीरो नर के जीरो से मिलता है तो Z0 प्रकार का युग्मनज बनाता है, और यहाँ पे जो है मादा का जीरो नर के जेड से संलयित होता है तो Z0 प्रकार का युग्मनज बनाता है। यानी कि ये हो गया नर, ये हो गया नर, ये भी नर, ये मादा, और यह जो है क्या होगा तो मादा होगा। तो यहाँ पर भी 50-50% की संभावना है क्या होने की, नर और मादा होने की। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है, तो इन जीवों में जो है Z0 और Z Z प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें मादा का Z0 होता है और नर का Z Z होता है। तो यहाँ पे हमने चार विधियों के बारे में बताया कि चार प्रकार के जीवों में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, बातें आपको हमारी समझ में आई होगी। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं किसके बारे में, तो एक दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण के बारे में, तो उसको हम जान लेते हैं। दूसरा प्रकार का लिंग निर्धारण क्या है? पहला तो लिंग गुणसूत्रों द्वारा, जो कि क्या था, द्विगुणित थे। अब जो है हम जानेंगे किसके बारे में, तो द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि के बारे में। द्विगुणित अगुणित अगुणित क्रिया विधि, द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि विधि ये है क्या? तो द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि किसमें होता है, सबसे पहले इसका उदाहरण जान लेते हैं। एग्जाम्पल, तो होता है चींटियों में और मधुमक्खियों में, मधुमक्खियों में, चींटियों में और मधुमक्खियों में जो है इस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। कौन सा? तो द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि द्वारा होता है। द्विगुणित का मतलब क्या? 2n, और अगुणित का मतलब क्या? n, ठीक है। तो इसमें कोई एक नर होगा या मादा होगा, 2n वाला होगा द्विगुणित, और नर जो या मादा होगा एक कोई भी वो अगुणित होगा, और दोनों के संयोजन से जो है लिंग निर्धारण होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, सबसे पहले मधुमक्खी को जान लेते हैं, क्योंकि यही पूछता है और इसके बारे में जानना भी जरूरी है। मधुमक्खियों में जो है तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, इसे कहेंगे क्वीन, क्वीन। उसके बाद से दूसरा होता है रानी मधुमक्खी, इसको कहा जाएगा क्वीन, और ये क्या होगा तो द्विगुणित हो गई, ये क्या होती हैं तो द्विगुणित, यानी कि 2n। उसके बाद से दूसरा है श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक श्रमिक मधुमक्खी, मधुमक्खी, ये जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं ये भी द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित, यानी कि ये भी 2n होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी को कहा जाता है इंग्लिश में वर्कर, वर्कर, श्रमिक मधुमक्खी को कहा जाता है वर्कर। उसके बाद से आगे हम बढ़ेंगे, श्रमिक मधुमक्खी को कहा जाता है वर्कर। तीसरी जो मधुमक्खी है उसे कहा जाता है नर या ड्रोन, नर या
ड्रोन, इसको भी इंग्लिश में ड्रोनी कहा जाता है, ड्रोन। और इसका जो लिंग गुणसूत्र होता है वह अगुणित होता है। क्या होता है? तो अगुणित यानी कि एन, यानी कि रानी मधुमक्खी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, वर्कर में भी गुणसूत्रों की संख्या 32, और इसमें उसका आधा अगुणित होगा तो आधा ही होगा, कितना? तो 16। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होता है 16। तो जान लेते हैं कि इनमें लिंग गुणसूत्र कैसे होता है। ये जो रानी मधुमक्खी होती है वह एक छत्रक पर, एक मधुमक्खी के छत्ते पर एक ही होती है, और वहाँ पे ये बैठी रहती है, इसका कोई कार्य नहीं होता, वहीं पे बैठे रहना, उसके बाद से और जनन की क्रिया में भाग लेना। जो श्रमिक होते हैं ये वर्क करते हैं, फूलों से नेक्टर लेकर के आते हैं और क्या करते हैं, मधुकर बनाना, बनाने का काम करते हैं। फूलों से नेक्टर लेकर के आएंगे और मधु बनाएंगे। उसके बाद से जो नर या ड्रोन मधुमक्खी होता है, इसका भी कोई कार्य नहीं होता रानी मधुमक्खी की तरह, यह भी जनन की क्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पे जो है तीनों मधुमक्खियों से आप परिचित हैं, और इसे याद रखिएगा, और इसके बारे में जो है क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब जान लेते हैं कि इसमें कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण में कौन कौन मधुमक्खी भाग लेते हैं? तो रानी मधुमक्खी और नर या ड्रोन। तो ये जो है रानी मधुमक्खी हुई, और ये जो है ड्रोन है। क्या है? तो ड्रोन है। इसका जो है युग्मक द्विगुणित होता है। कैसा? लिंग गुणसूत्र जो है द्विगुणित होता है, और इसका जो है अगुणित होता है। लिंग गुणसूत्र इसका द्विगुणित होता है रानी का, और ड्रोन का जो है अगुणित होता है। यही तो बताया गया यहाँ पे ना, यही बताया गया है। अब जो है होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या बनेगा? तो एक एन यहाँ पे बनेगा और एक एन यहाँ पे बनेगा। उसके बाद से ड्रोन में क्या होगा? तो इसके पास एक ही है, एक ही एन है ना। इसमें अर्धसूत्री यदि विभाजन होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होगा? तो इसका समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा एन से फिर एन की रचना हो जाएगी, यानी कि जितना इसके जनक में गुणसूत्रों की संख्या होगी उतने इसके संतति में भी होगी। यही मतलब होता है समसूत्री विभाजन का। अब जो है देखिए होता है क्या, निषेचन की क्रिया। यदि अर्धसूत्री विभाजन में जो रानी का एक एन है और ड्रोन का एक एन मिलता है तो 2n बनाता है, ये क्रिया कहलाती है क्या? तो निषेचन। ये क्रिया क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है, और फिर से 2n का निर्माण होता है, और या तो यहाँ पे रानी बनेंगी, या तो यहाँ पे फिर से 2n बनेगा, और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, श्रमिक बनेगा। तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया के दौरान दो प्रकार की मधुमक्खी बन रही हैं, रानी और श्रमिक, क्योंकि इसी का तो द्विगुणित है ना, इसी का द्विगुणित है, तीसरे का तो द्विगुणित है नहीं। अब जो है बात कर लेते हैं तो नर का निर्माण कैसे होता है, तो ये जो रानी मधुमक्खी होती है, ये स्वयं अकेले ही बिना निषेचन के क्या करती हैं? तो एक एन का निर्माण करती हैं, यानी कि ड्रोन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तो ड्रोन का। और मादा द्वारा एक बिना निषेचन के नर का निर्माण करना या नए जीव का निर्माण करना, अगुणित ड्रोन का निर्माण करना कहलाता है अनिषेक जनन। ये कौन सी क्रिया होगी? तो अनिषेक जनन, इसे कहा जाएगा अनिषेक जनन। तो ये बात याद रखिएगा कि जब रानी मधुमक्खी स्वयं जो है बिना निषेचन के क्या करती हैं, नर का निर्माण करती हैं, तो इसे कहा जाता है अनिषेक जनन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्थिनोजिनेसिस, पार्थिनो
जीनेसिस, पार्थिनोजीनेसिस। तो इस तरह से जो है क्या है, यहाँ पे मधुमक्खी में जो है लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पे आज हम लोगों ने जाना लिंग निर्धारण के बारे में। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। जीवों में कैसे लिंग निर्धारण होता है इसके बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। इस अध्याय के अगले टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस जितने भी इस अध्याय को जो है आपका काटा नहीं गया है, तो आप जो है इस अध्याय की तैयारी कीजिए और जितने भी टॉपिक इसमें बताया गया है सभी को याद कर लीजिए, सभी को जो है अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी जो है वीडियो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप सभी को जय हिंद।